ये मैंने अमेजोन से सबवूफर का एम्पलीफायर ऑर्डर किया था, तो अभी ये आ गया है। तो उसको मैंने खोला है, बहुत अच्छी तरह से ये डबल बॉक्स के अंदर पैक किया हुआ है, बहुत अच्छी तरह से पैक किया है, अंदर भी अच्छी तरह से पैक किया हुआ है। अभी उसको खोला नहीं, अभी खोल के उसको देखेंगे अंदर से कैसा है। दोस्तों मुझे ये कीमत में पड़ा है, उसका कीमत 5,000 रुपीज़ है, उसके ऊपर पोस्टेज 76 रुपीज़ का पोस्टेज है, उसका अंदर टैक्स के साथ 5,075 है, ऊपर दूसरा टैक्स कुछ है 913। टोटल मैंने सोचो 5,989 रुपीज़ पे किया है। ये उसका वो है जो आप देख सकते हैं। दोस्तों ये इसका लुक है, कुछ ज़्यादा नहीं है उसमें, ये आगे दो बटन है और ये सब, उसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है। ये इसको पीछे से इस तरह से दिया हुआ है, बहुत लाइट वेट है, वे हेवी वेट नहीं है, या उसका वारंटी सील दिया हुआ है। तो बस इतना है, वेट हेवी नहीं है, एक हाथ से भी उठा सकते हैं, एक बहुत वेट नहीं है, लाइट वेट है। तो ये उसका लुक है, मैं आगे से फिर से दिखा देता हूँ, ऐसे आगे लिखा हुआ है मॉडल नंबर है HTAS 2250 है। उसका मैंने 6,000 में 20 रुपया कम मैंने दिया है, तो अरिवन 6,000 रुपीज़ गिन लो उसका प्राइस। तो अभी उसका परफॉर्मेंस कैसा है मैं चेक करके आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों मैंने YouTube पर उसका वीडियो देखा था, उसमें उसका सीरियल नंबर लिखा हुआ था और उसमें इसका सीरियल नंबर नहीं लिखा हुआ, तो उससे थोड़ा डाउट लगता है, पता नहीं कि सीरियल नंबर उसमें लिखा हुआ था और उसमें सीरियल नंबर लिखा हुआ नहीं है, और कुछ तो है नहीं। चलो देखते हैं उसको। दोस्तों ये वेवन कंपनी का सब वूफर एम्पलीफायर है, उसके 250 वॉट उसका सब वूफर आउटपुट है, जिसमें मैंने इस तरह से वायरिंग किया है, अभी तो इस तरह से वायरिंग किया है, जिसमें ये दो सेल फोन में जाते हैं और ये दो, ये लप्पाई कंपनी का एम्पलीफायर है उसमें जाते हैं, और ये दो डायरेक्ट सब वूफर में जाते हैं। तो अभी मैंने उसके साथ ये प्रोनोड का, जो भी मैंने नया ही बनाया है, वो सब वूफर मैंने लगाया है, देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स देता है, तो पता चलेगा। ऊपर कागज़ भी लगा दिए हैं, कितनी हवा फेंकता है ऊपर से वो भी पता चल जाएगा। तो अभी मैं उसका सेल फोन से उसका आवाज़ ऑन करता हूँ।
दोस्तों आपने देख लिया, ये उसका बास और ये इसका वॉल्यूम है। ये गर्म तो होता है, बहुत काफ़ी गर्म होता है, और जब बंद की हालत में भी वो थोड़ा हूँ ऐसा आवाज़ उसके अंदर चालू रहता है। पूरा वॉल्यूम बंद कर दो फिर भी ये आवाज़ चालू रहता है। सब ऊपर में थोड़ा वाइब्रेशन जैसा लगता है कि जैसे सब ऊपर चालू है, ऐसा वाइब्रेशन उसके अंदर लगता है। साइलेंट नहीं है बिल्कुल, थोड़ा हमिंग है और क्या है पता नहीं, लेकिन उसमें ऊँ ऐसा वॉइस चालू रहता है। दूसरा भी उसके ऊपर दूसरा एक 10 इंच का सब ऊपर लगा के चेक करेंगे, उसके बाद 8 इंच का लगा के चेक करेंगे, फिर उसका टेस्टिंग ख़त्म। तो दोस्तों मैंने ये इसके ऊपर योकोमा का 10 इंच का सब ऊपर लगा दिया है उसके ऊपर, तो देखते हैं उसके ऊपर कैसा परफॉर्मेंस ये सब ऊपर एम्पलीफायर देता है। तो अभी मैं इस तरह उसका ऊपर से सेटिंग किया हुआ है बेस और वॉल्यूम का, तभी मैं सॉन्ग को ऑन करता हूँ। सेम सॉन्ग होगा इसलिए पता चल जाएगा। तो दोस्तों आपने सुन लिया सॉन्ग, ये बहुत बड़े सब ऊपर को सपोर्ट करता है, लेकिन कम वॉट वाला स्पीकर सब ऊपर को अच्छा सपोर्ट करता है। ये 10 इंच वाला सब ऊपर है योकोमा, इसका बहुत अच्छा बजता है उसके ऊपर। बेस भी 12 इंची सब ऊपर से ये अच्छा देता है, उसमें 12 इंची चलता होगा लेकिन कम वॉट वाला होगा तो चलेगा, लाइक JBL 1200 और उससे थोड़ा कम पावर वाला चलेगा। JBL 1500 वाट के लिए इतना अच्छा नहीं है, और ये होम के लिए बनाया है इसलिए जो कार के एम्पलीफायर के जैसा ये आउटपुट नहीं देगा। तो 10 इंच के सब ऊपर पर बहुत अच्छा चलता है, मैं तो बहुत सेटिस्फाई हूँ उसके साथ। तो अभी 8 इंच का लगाएंगे फिर पता चलेगा, 8 इंच पर बहुत अच्छा बजेगा ऐसा मुझे लगता है, तो इसके ऊपर भी 8 इंच का लगाते हैं। आपने ये योकोमा का 10 इंच पर का उसका टेस्ट सुन लिया। तो अभी दोस्तों मैंने उसके ऊपर एफ्रेडो का 8 इंच का सब ऊपर का इंक्लोज़र लगा दिया है उसके ऊपर। ये अभी मैंने MDF से ही बनाया है, ब्रांड न्यूज़ उसका इंक्लोज़र है।
तो अभी उसके ऊपर देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस देता है। तो दोस्तों आपने देख लिया है, मैंने सारा टेस्ट करके बता दिया। 12 इंची सब ऊपर भी बता दिया, 10 इंची सब ऊपर भी बता दिया और 8 इंची सब ऊपर भी बता दिया। 6 इंची सब ऊपर तो उसके ऊपर नहीं चलेगा कि 250 वॉट है उसका, मैं टेस्ट भी नहीं करना चाहता। लेकिन कोई भी वीडियो यूट्यूब पर नहीं था इसका, उसका जो अनबॉक्सिंग का वीडियो था लेकिन उसका एम्पलीफायर टेस्टिंग का वीडियो नहीं था। तो ये मैंने पूरा वीडियो आपको दिखा दिया, आपको इच्छा लगे तो ख़रीदना। मैं कोई रेकमेंड नहीं करता, ये गर्म तो होता है लेकिन होम थिएटर के लिए बहुत अच्छा है। अगर 8 इंच का और 10 इंच का तुम सब ऊपर लगा दे तो होम थिएटर के लिए बहुत अच्छा चलेगा। कोई तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम लगता नहीं है, लेकिन कीमत उसकी 6,000 रुपया है जो मैंने वीडियो में उसका पूरा आपको दिखा दिया। अमेजोन से मैंने ख़रीदा, 6,000 रुपया उसका कीमत है और उसका वेट भी इतना हैवी नहीं है और 250 वॉट है। तो मैं वे वीडियो यहाँ ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अच्छा लगे तो कमेंट में कुछ कर लिखना। थैंक यू।